देखिए दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बेसन की सब्ज़ी। ये देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसमें हमने नमक मिर्च, हल्दी और धनिया मिला दिया है। देखिए दोस्तों, इसे इस तरह से मिला लेते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से, ये देखिए, हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और ये हमारा घोल है, ये जो अभी हमने बनाया था। देखिए दोस्तों, इसे हम अच्छी तरह से चलाकर पका लेते हैं और ये हमारा घोल पक गया है और इसको हम ठंडा कर लेते हैं और इसे छोटे पीस में काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, और इसके बाद में ये तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चलिए जब तक हम दही को तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों हम इसमें दही डालेंगे, इससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये दही है, इसमें हमने मसाले डाल लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। और इसको हम अब बनाते हैं। सरसों के तेल में हमने हरी मिर्च को डाल दिया है और ये टमाटर है, इसमें अब हम अपना घोल डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दही हमने इसमें डाल दिया है और हमने जो बेसन कतली बनाई थी डाल दी। देखिए दोस्तों, ये बनकर तैयार।